अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अज़ीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपके लिए काफ़ी दिनों बाद एक रिव्यू लेकर आया हूँ, ठीक है। आज मैं रिव्यू करूँगा एक दूध के डिब्बे का। तो दूध तो अक्सर हम लोग ग्वालों से लेते हैं, ठीक है, या मार्केट से जाके खुला दूध इस्तेमाल करते हैं। तो कई दफ़ा ये होता है कि मैं जो हम हमारा ग्वाला कोई या जो हमने लगवाया होता है वो दूध लेकर नहीं आता, तो हमें दूध की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर हम बाई भागते हैं टेट्रा पैकेजिंग वाले या डिब्बे वाले दूध खरीदते हैं। तो मैंने तो काफ़ी किस्म के जो डिब्बे वाले दूध इस्तेमाल किए हैं, मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों के लिए, लेकिन मैं आपको पता है कि ग्रोसरी प्रोडक्ट्स करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में कौन कौन सी अच्छी ब्रांड की प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो मैं आज आपके लिए दूध का ही एक रिव्यू करूँगा। ये जो हर मिडिल क्लास गरीब बंदा या इवन तन अमीर भी जब उसे ज़रूरत होती है तो वो मार्केट से लाकर इस्तेमाल करता है टेट्रा पैक वाला। तो बाज़ार में काफ़ी कंपनीज अवेलेबल है, लेकिन मुझे जो कंपनी बेसिकली पसंद है, मैं इसे प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन जो मुझे क्वालिटी अच्छी लगी है, अवल तो सब में प्रिजर्वेटिव होते हैं, ठीक है, जो दूध को महफूज करने के लिए तो कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं। तो ये आज मैं लाया हूँ नेस्ले मिल्क पैक। ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। नेस्ले एक अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। पीछे सोर्स इसका नेस्ले यानी मिल्क पैक जो ब्रांड है वो नेस्ले का ब्रांड है और ये स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है जो पाकिस्तान में बड़े अच्छे से काम कर रही है। और इसकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है, मुझे तो बहुत पसंद है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दूध का, ठीक है, और इस उन्होंने ऊपर लिखा भी हुआ है फुल क्रीम मिल्क है। अगर आप देखेंगे मार्केट में जाएंगे तो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आपको दूध अक्सर नहीं लिखा होता, वाइट में लिखा होता है, ठीक है, उसके ऊपर मिल्क मेंशन है। तो जो हमारे फूड अथॉरिटी, उन्होंने भी कहा कि ऊपर आप मैनेज करें, अगर उसमें दूध है तो दूध लिखें, अदरवाइज उसे दूध ना लिखें तो वाइट ना लिखें। तो ये नेस्ले एक अच्छी कंपनी है, इसका दूध बहुत अच्छा है। तो दोस्तों अब इसकी बात करते हैं प्राइसेस की, यूजेस वगैरह, हम इसे कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको हर ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा, जनरल स्टोर वालों ने भी रखा होता है, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर वालों ने भी रखा होता है। और ये मुख्य पैकिंग में अवेलेबल है। ये 250 मिलीलीटर है, यानी एक पाव दूध है, ये पूरा एक पाव दूध है। नेट वेट तो नहीं है, लेकिन ये पूरा दूध एक पाव 250 मिलीलीटर। तो इसमें हाफ लीटर भी है और 1 लीटर भी अवेलेबल है इस ब्रांड में। तो अब कुछ इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, उन्होंने पीछे क्या मेंशन किया हुआ है, ये लिखा भी हुआ है साइड पे, आपको नज़र आ रहा होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। नेट वेट मैंने आपको बता दिया, इसका 250 मिलीलीटर है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स सॉलिड्स हैं, स्टेबलाइजर हैं, विटामिन हैं और मे कंटेन सोया लैक्टिन, ठीक है। ये सोया एक हमारा जो होता है ऑयल की एक किस्म होती है, ठीक है, उन्होंने लिखा भी हुआ है, मेंशन भी किया है। तो कहने का मतलब कि ये खालिस दूध नहीं है, इसमें इसे महफूज करने के लिए डब्बे में पैक करने, जब ये पैक करते हैं तो इसे महफूज करने कुछ ये केमिकल्स भी डालते हैं, तो वो हार्म नहीं है, ठीक है। मैंने तो ये इस्तेमाल किया है, ये बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये इससे आप, इस डिब्बे से आप चाय भी बना सकते हैं। अगर आप कोई केक पेस्ट्री वगैरह बना रहे हैं तो उसमें अगर आप थोड़ा सा दूध डालना चाहते हैं तो ये डिब्बा बेस्ट रहता है, सस्ता भी पड़ता है। और इसकी प्राइस तो मैंने जो जब भी इस्तेमाल कर रहा हूँ जब से, तो मैंने ये 8 का भी लिया, 10 का भी लिया, 15 का हुआ। आपको पता है दूध पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी वजह से दूध की प्राइसेस बहुत हाई हो चुकी हैं। तो ये 20 हुआ, फिर 25, 30, टैक्सेस लगते लगते अब आजकल इसकी कीमत 38 से 40 रुपीज़ के दरमियान है, ठीक है। ये आपको नज़र आ भी रहा होगा, उन्होंने 7 रुपये बचत लिखी है, ये आजकल 30 रुपये का है, ठीक है। तो ये इलाके के हिसाब से मुख्य रेट हो सकते हैं, तो प्लीज़ वो आप खुद देख लीजिए आप। यानी हार्डी 40 तक आजकल प्राइस चल रही है, 35 से 40 के करीब, ठीक है। 7 रुपये की बचत करके ये 30 रुपये का है, ठीक है। इसे मैंने 30 रुपये का परचेज किया मार्केट से, तो मैं इसके आपको इस्तेमाल बता रहा था। तो इसे मैं आपको इससे मुख्य चीज़ें बनाना भी सिखाऊंगा इन फ्यूचर, ठीक है। इससे आपको मैं एग पुडिंग बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि ये पूरा वेट होता है 250 मिलीलीटर, तो हमें नापने की ज़रूरत नहीं है, एज इट हम डाल सकते हैं
सकस्ट्रा भी बना सकते हैं, खीर पिंगी भी बना सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पुडिंग के लिए ये बहुत अच्छा है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके लिए जो आप एग कैरेमल पुडिंग बनाते हैं। तो दोस्तों ये तो था ये आज का रिव्यू, ठीक है। ये तीन चार पैकिंग में मैंने आपको बता दिया अवेलेबल है 250 में, हाफ लीटर में और 1 लीटर में। तो आप जब भी मार्केट में जाएं कोशिश करें अच्छे ब्रांड खरीदें, तो ये भी एक अच्छा ब्रांड है और दूध के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैंने इसे काफ़ी यानी अरसा इस्तेमाल करके देखा है तो मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लगी है। तो मैं कुछ और दूध के भी रिव्यूज़ करूँगा जो कंपनी हमारी हैं, ठीक है, तो वो आपको पसंद आएंगे वो भी, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए वही चीज़ें लेकर आ रहा हूँ जो मार्केट में क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, जो पाकिस्तान में जो कंज्यूमर हैं कंज्यूमर्स के लिए अच्छे हैं, ठीक है, सेहत के लिए भी अच्छे हैं। तो ओके जी, ये तो था आज का रिव्यू दूध के हवाले से, टेट्रा पैक के हवाले से। लेकिन दोस्तों नसीहत मैं आपको जाते यही करूँगा कि इंतहाई मजबूरी में ही ये आप डिब्बे वाले दूध इस्तेमाल किया करें। अगर आपको ओपन सोर्स खुला दूध कहीं से अच्छी यानी अच्छा मिलता है तो आप कोशिश करें वो खरीदें, उसे उबाल लें, छान लें और उसके उस दूध को बलाई वगैरह उतार लें। तो ओके जी, अल्लाह फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं मिलूँगा किसी और वीडियो में। मुझे इजाज़त दें जोली अज़ीम को। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।